नमस्कार दोस्तों, आपका भाई लेकर आ गया नई वीडियो और इस वीडियो में आपका भाई खाएगा बड़का बड़का रसगुल्ला। छोटका रसगुल्ला नहीं, बड़का बड़का रसगुल्ला। कैसे खाएगा भाई? अपने पैसों से खाएगा, तो आपको भी दिखाएगा और आपको भी ललचवाएगा। तो हम निकल लिए हैं रसगुल्ला खाने के लिए हीरो बन के। चलिए चलते हैं तब आगे की ओर। तो हम आ गए हैं नया पुल। ये है गंगा मैया, ये दिखती ज़्यादा है डूबती कम है। आई है नया पुल, ये पुल पे खाली आदमी आवत है सेल्फी खिंचावत हैं। ए दू के देखा, सबसे बढ़िया जिंदगी है दोनों के है, सबसे बढ़िया जिंदगी। दिन भर के आराम से 500 रुपये। तो ये है हमारा रसगुल्ला का दुकान और ये है हमारा रसगुल्ला, देख रहे हो। Later. जैसे हम रसगुल्ला खा के आगे बढ़े, बाबा हमारा खातिन मैंने रोडे बंद हो गई। जैसे हम अकेले रसगुल्ला खा के पाप कर दिए हों कोई। फिर हम आगे गए तो संगम वाला रास्ता पकड़ के हम दाहिने मुड़ के आगे की ओर चल दिए, तो देखे चारों साइड सिर्फ कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा था। धूल मिट्टी से हमार तो माथे घूम गई। फिर हम आगे बढ़नी तो देखत हैं जेसीबी भी काम में लागल ही। अपन जेसीबी अपन काम करत ही, अहोहर दूर देखब जा लौकत होई कि ओहर भेड़ बकरी अपन काम करत ही। फिर सब चीज सोचला के बाद हम सोचनी कि भैया हमू तो काम करत हई, तो हम अपना के कहे न बताई, तो ल हमू अपना के दिखाई, तो ल हमू अपन काम करत हई, हमरो देखा जा हमू और काम चलत है। फिर हम आगे बढ़नी तो हमके बकरी भेड़ दोबारा लौकल, हम कहीं लागत है झुंड में अब काम हो वाला बा, तो ई लोग अपन काम में चल देलन। फिर देखत हई बगले में कि एकदम सुरंग बने खातिन खुदाई चालू बा, पता ना कहाँ से कहाँ सुरंग जाई। फिर हम आगे रोड पे चलनी तो इतना धूल मट्टी से हम परेशान हो गई कि हम कसम खा लेनी रोड पे अब हम दोबारा तो कबो ना आई। फिर हम आगे निकल गई नी नयका पुल पे, दोबारा पकड़ लेनी नयका पुल से एकदम सीधा चल जिम हमारे घरे पहुँच जिम, घरे जाके एकदम सुत जिम पसार के। फिर चला यही के साथ करत हई ब्लॉग के एंड। ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करत रहिए, छोटका भाई के प्यार देवत रहिए।